हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सेवक सिंह और आप देख रहे हो मिस्टर सेवक मैकेनिकल चैनल। आज दोस्तों जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है शंट कैपेसिटर के बारे में, क्योंकि खेतों में समर्सिबल मोटर आजकल हमारे यहाँ 7 HP से लेकर 20 HP तक लग रही हैं, तो उस पर कई लोग क्या करते हैं, शंट कैपेसिटर नहीं लगाते। ये शंट कैपेसिटर है, अगर किसी के लगा भी हुआ हो तो वो ख़राब होता है। ये वाला है, अगर किसी के लगा होता है तो वो उन्हें ये नहीं पता कि ये ख़राब है या सही है, काम कर रहा है। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी समझते हैं आप कि अगर ये नहीं लगा होगा तो हमें जो बिजली बोर्ड है वो जुर्माना डाल देगा, हमें फाइन आएगा, इसलिए हम ये लगाते हैं। पर दोस्तों ऐसा नहीं है, इसमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं ये मैं आज आपको बताऊंगा, और ये कितनी पावर का आपको लगाना चाहिए, और जो आपका पहले वाला शंट कैपेसिटर लगा हुआ है क्या वो काम करता है, ये कैसे चेक करेंगे। पहले तो दोस्तों ऐसा होता था कि हम इसे हाथ लगाकर देख लेते थे कि ये गर्म हो रहा हो, थोड़ा थोड़ा हीट हो रहा हो, तो हम समझते थे कि ये काम कर रहा है। पर दोस्तों आजकल तकनीक काफ़ी बदल चुकी है, आजकल हम इसको एम्पीयर मीटर से भी नाप सकते हैं। दूसरा दोस्तों इसका फ़ायदा ये है कि आपका जो ग्रिड है, ट्रांसफार्मर है जो आपका, जहाँ से आपको सप्लाई आती है, अगर आपका ये कैपेसिटर लगा होगा, हर एक किसान भाई ये कैपेसिटर लगाएगा तो वहाँ पर लोड नहीं आएगा, और जो आपकी मोटर है वो भी, उसको भी जो तीनों फेस हैं वो एक साथ मिलेंगे, एक साथ तीनों फेस मिलेंगे, क्योंकि इंडक्शन मोटर होने के कारण यहाँ पर पावर फैक्टर काफ़ी कम हो जाता है, जो कि तकरीबन आपको 0.99 चाहिए, और अगर ये ना लगा हो तो आपका जो पावर फैक्टर है वो काफ़ी कम, जैसे कि 0.7, कई बार देखा है कि 0.5 भी आ जाता है। तो ये तो अलग बात है, पर मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि ये चेक हम कैसे करेंगे, उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि आपको कितना ये लगाना चाहिए, कितने HP पर कितना, क्योंकि दोस्तों ये बड़ा भी मत लगाना कि आपकी ये अगर 10 HP की मोटर है तो आप उस पर 10 HP लगा दो, ऐसा नहीं होता। तो इसे आप क्लंप मीटर से चेक करो पहले, तो जो आपका पहले लगा हुआ शंट कैपेसिटर है उसको, कोई भी क्लंप मीटर पहले तो क्या है कि आपका जो आपके गाँव में मैकेनिक है वहाँ पर उसके पास मिल जाएगा, क्योंकि हर एक गांव में एक आधा मैकेनिक तो होता ही है। उसके बाद दोस्तों जो तीन तार ये वायर जा रही है ना शंट कैपेसिटर, तीन वायर, उसमें से एक एक वायर अलग कर लो इस तरह से, और एक एक में आप ये क्लंप मीटर लेकर देखो, पहले मोटर चला लो, ऑन कर लो, उसके बाद आप जो मीटर है 200 एम्पीयर AC के रेंज में रखो और एक एक तार इसमें लगाओ। ये देखें यहाँ से वायर जो इसकी लग चुकी है, और ये है मोटर का लोड, ये 23 एम्पीयर है जो, और ये देखिए ये 24 एम्पीयर है एक में, और इसमें 22 एम्पीयर है। इस तरह दोस्तों इसी तरह जो शंट कैपेसिटर आपका चल रहा हो तो वहाँ पर भी एम्पीयर आएंगे, ये देखें कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि ये दोस्तों 10 HP की मोटर है, तो यहाँ पर 5 kVAR का कैपेसिटर लगेगा, 5 का ही लगना है, ना के 7 का ना 4 का, तो 5 का ही लगेगा। ये शंट कैपेसिटर ख़राब है, अभी मैं ये लगा रहा हूँ, इसमें 5 kVAR का लगा रहा हूँ। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि अगर आपकी मोटर 10 HP है, उससे ज़्यादा लगा दो, बस सीधा सा हिसाब है, जितने HP की मोटर उससे ज़्यादा लगा दो, 20 की है तो 10 का लगा दो, अगर 15 HP की है तो 8 का लगा दो, इस तरह से ये लगा दो। और ये एक बात और है कि जब ये हम लगाएंगे तो इसमें कम से कम 5 एम्पीयर आपको मिलेंगे, हर एक वायर में 5 एम्पीयर मिलेंगे। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें 3 कैपेसिटर है 30-30 MFD के, जैसे कि आपने 3 कैपेसिटर जो है रनिंग कैपेसिटर है जो ले लिए 30-30 UF के MFD के, वो इसमें लेंगे हम, तो ये इतनी पावर का बन जाता है।
तो टोटल हम ये बन गया 90 MFD का, पर वो कनेक्शन इसके डेल्टा में होते हैं, ये डेल्टा में होते हैं कनेक्शन इसके, चलिए वो अलग बात है। तो मैं बिल्कुल सिंपल सी वीडियो बना रहा हूँ। और दोस्तों दूसरा ये कि आपको ये लगाना किस तरफ है, आपको ये वाला जो है जिस तरफ मोटर की वायर जा रही हो, स्टार्टर से मोटर की वायर जा रही है उस साइड में लगाना है आपने, जिस तरफ आप पीछे से सप्लाई आ रही हो, ये देखिए ये जो मेन सप्लाई आ रही है इस साइड में ये नहीं लगाना, क्योंकि इस साइड में हमेशा इलेक्ट्रिसिटी पावर रहती है तो इससे ये ख़राब भी हो जाएगा। और दोस्तों ये हमें चाहिए कि जब आपकी मोटर चले, जब आपकी मोटर रनिंग में हो उस वक्त ये काम करता होना चाहिए। तो उस हिसाब से ये जिस साइड में मोटर की वायर है उस साइड में लगा देनी है। तीन वायर होती हैं और दोस्तों इसमें कोई भी इसकी पोलैरिटी नहीं होती, जो तार आप जहां मर्जी लगा सकते हो, तीनों तारों तीनों फेसों में लगानी है, 1 2 3 इस तरह से लगा देनी है। ये देखें अभी 1 2 3 तीनों फेसों में आपने मोटर वाली साइड, ये मोटर को केबल जा रही है, इस साइड लगा देनी है। और दोस्तों उसके बाद हम इस पर अभी चेकिंग करके दिखाते हैं आपको। ये देखें मैंने ग्रिप लगा दिए हैं, उसके बाद क्विक स्टार्ट किया, और क्विक स्टार्ट होने के बाद मैं आपको अभी एम्पीयर जो 23 24 और 22 आ रहे थे वहाँ पर आपको ये देखें मैं तीनों फेसों के एम्पीयर दिखाता हूँ। ये देखें ये 20 एम्पीयर रह गए, जहाँ पर 24 एम्पीयर थे वहाँ पर 21 एम्पीयर रह गए। दोस्तों एक तो आपके जो मोटर के एम्पीयर है ये कम हो जाते हैं, और इसमें क्या है कि एक तो आपका फ़ायदा, दूसरा जो बोर्ड है, बिजली बोर्ड है, उसकी भी बिजली बचती है, क्योंकि पावर ग्रिड पर लोड नहीं जाता। तो इसलिए आपका अगर कैपेसिटर ख़राब है तो आप इसे ज़रूर बदलें। अगर आपको वैसे हमारे तो यहाँ बिजली बोर्ड के बिल माफ़ किए गए हैं, बिल नहीं आता, अगर आपका बिल आ रहा हो, ये देखें यहाँ पर 5 एम्पीयर ले रहा है हर एक वायर, तीनों वायर, अगर आपका इस तरह से 5-5 एम्पीयर, अगर आपका 8 का है तो 8 एम्पीयर लेगा, अगर ये आपका 5 KVR का है तो 5 एम्पीयर लेगा। तो इस तरह से आप अपना चेक कर लो। हाँ अगर मैं बात कर रहा था कि अगर बेल आपके आ रहे हैं, बिजली बोर्ड का बेल आ रहा, मीटर लगा हो, तो आपका पावर फैक्टर काफ़ी कम होगा अगर ये काम नहीं करता। तो इसलिए ये चेक करो और ये लगवाओ, ये ज़रूर लगवाना चाहिए हमें। थैंक यू।